हेलो बच्चों, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को फिजिक्स में, और ऐसा फील भी आता है जब आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं। थैंक यू बच्चा लोग। चलिए, तो आज का लेक्चर हमने रखा है बेटा वर्क के। कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेना पड़ गया यार, तो वर्क के एक दो क्वेश्चंस पे रखेंगे, फिर कोलिजन के ऊपर, फिर सी फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर, राइट। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं। सर पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए हमेशा की तरह, और फिर मुझे बताइए कि कौन सा आंसर आप लोगों को आया। ये क्वेश्चन मैंने रखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। किसके ऊपर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो पॉज करके फटाफट कमेंट चाहिए बेटा जल्दी से, और मैं अब इस क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करता हूं। अ बॉब ऑफ मास एम ऑफ अ पेंडुलम, एक बॉब है जिसका मास एम है एक पेंडुलम का, इज फायर्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजिशन एट ए। ए पे ये रेस्ट पे है, और यहां से मैंने टक ऐसा कुछ काम किया, ठीक। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड वी नॉट, बोल रहा है मिनिमम वेलोसिटी बताओ। क्या बोल रहा है बेटा? मिनिमम वेलोसिटी बताओ वी नॉट रिक्वायर्ड एट ए। ए पे कितना वेलोसिटी मैं दूं सो दैट इट कीप्स ऑन मूविंग। ये बोल रहा है कीप्स ऑन मूविंग, टक 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 विद अ स्ट्रिंग ऑलवेज टाउट, ठीक। स्ट्रिंग हमेशा टाउट रहे, कहने का मतलब यह है कि स्ट्रिंग हमेशा टाउट रहे, लेकिन ये मिनिमम की भी बात कर दी। देखो दो दो बात इसने कर दिया, देखो फिजिक्स फिर से मजेदार है। ये मिनिमम भी चाहिए और स्ट्रिंग भी टाइट चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करके आप लोग आंसर करेंगे। मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ चीज बताना था, इसीलिए मैंने ये बढ़िया सा एक क्वेश्चन बनाया है। फटाफट आंसर करो, तब मुझे समझ में आएगा तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलो, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है यार बच्चों। कॉन्सेप्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो VCM लिख देता हूं मैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, और थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन की जब आप बात करते हो तो उसमें एक और कुछ प्रोजेक्टाइल्स वगैरह को ऐड करते हैं, राइट। यही दो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम होता है। तो आपको पहले से पता है कि कोई भी अगर स्ट्रिंग है और उसके नीचे अगर बॉब है, मान लो एल लेंथ का स्ट्रिंग है और ये बॉब है एम मास का, तो कितना मिनिमम वेलोसिटी आप यहां पे प्रोवाइड करो जिससे ये कंप्लीट सर्कल कर ले, है ना। लूपिंग ऑफ लूपिंग द लूप वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो इसके थ्योरीज के ऊपर जाइए। इक्वेशन क्या क्या बनेंगे वो मैं बता देता हूं। एक तो बनता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया था, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार, वो इक्वेशन बनता है इसमें। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के इक्वेशन बनते हैं, और दूसरा इक्वेशन बोलता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको याद दिलाता हूं। सर मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे जिससे कि ये कंप्लीट सर्कल कर ले वो होता है रूट अंडर 5gr, रूट अंडर 5gr होता है वी मिनिमम, सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल, ठीक। और इस केस में जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो रूट अंडर gr होता है। क्या ये चीज तुम्हें याद है? वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस सिचुएशन में मिनिमम वाले में रूट अंडर gr होता है, एंड इस इंस्टेंट पे इसका टेंशन जस्ट जीरो होता है। ये लूपिंग द लूप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, मैंने रिवाइज करवाया कि v टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसी पर्टिकुलर केस में रूट अंडर gr होता है, एंड इस पॉइंट पे टेंशन जो स्ट्रिंग होता है वो जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस के ऊपर थोड़ा फिजिक्स और फिर ये दोनों रिजल्ट आता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दो जिससे कि ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, मैं रूट अंडर 5gr नहीं लिख सकता। और मजेदार होता जब मैं सीधा रूट अंडर 5gr ले देता ऑप्शन, आधे लोग रूट अंडर 5gr, और मजेदार होता जब रूट अंडर 10gr देता, आधे लोग रूट अंडर 10gr, बोलो आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
अरे सर रूट अंडर 5G, आर इसका आर नहीं है, तुम सोच रहे होगे ये यहां से है फिक्स्ड। तो जैसे ये नाचना शुरू करेगा, जब ये नाचना शुरू करेगा बेटा तो क्या होगा जरा देख रो, ये जब नाचना शुरू करेगा सर क्वेश्चन, ये फिक्स है। अभी का हालात तो ऐसा है, ये आर है, ये आर है, मतलब ये आर के रेफरेंस में हालात ऐसे हैं। ओके ये आर है सर, बहुत बढ़िया बात है, ये आर है सर, जरा देखना ये भी आर है और ये भी आर है। यस, जब ये पूरा नाचने लगेगा बेटा तो ये यहां से उड़ता हुआ जाएगा यहां पे आएगा, हां जी, ये उड़ता हुआ यहां पे जाएगा, हां जी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो 2R हो जाएगा सर, और ये दूरी कितनी है R, तो ये R हो जाएगा सर। यानी कि अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लूं, जीरो रेफरेंस यहां पे, तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, है कि नहीं, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, जरा देखना बेटा, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, थोड़ा सा सर्कल नहीं बनाया, जान के खराब बन रहा था इसलिए, तो यहां पे जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना सर, उस पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट से ये वाला जो बॉब होगा वो कितनी दूरी पे होगा, 2R दूरी पे होगा। और इसको अगर बिना इस स्ट्रिंग के स्लैक हुए पूरा का पूरा सर्कल करना है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगा वो होगा रूट अंडर जी और आर। आर कितना है? 2R। यानी कि यहां से मैंने दिमाग लगा के ये चीज निकाला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका वेलोसिटी रूट अंडर 2GR होना चाहिए, क्योंकि अभी सर आपने सिखाया कि रूट अंडर GR होता है यदि रेडियस R हो, मिनिमम वेलोसिटी जिससे ये कंप्लीट करता है सर्कल स्ट्रिंग के केस में। और इस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, तो यहां पे हम नहीं बोल सकते रूट अंडर 5GR, लेकिन यहां पे पक्का का पक्का बोल सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यदि रूट अंडर GR हो, वेयर R इज द रेडियस इन विच द पार्टिकल इज रोटेटिंग राइट नाउ, इस पे जो रोटी रेडियस है वो कितना है? 2R। तो क्या लिखा मैंने? जी इंटू 2R। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये हमें मिल चुका है यहां का वेलोसिटी, यहां का हमें पता नहीं है, और मैंने यहां मान लिया जीरो रेफरेंस फ्रेम। इसमें और कोई जो टेंशन है उसका वर्क नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे है, राइट, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकता हूं? यस सर। तो मैंने लगाया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अच्छा, तो ये बोलता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी जीरो। अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा तभी आप इसे लगा सकते हैं सर। तो क्या यहां पे नॉन कंजर्वेटिव कोई है? टेंशन नाम का चीज था, लेकिन क्या उसका कोई वर्क है? नो। मतलब क्या उसका वर्क जीरो है? यस। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा सर। यहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव का वर्क नहीं है और सिर्फ एक ही कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा? धरती माता बेटा, राइट। तो हमें पता चल चुका है कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा सर। तो जल्दी से देखिए और आंसर की प्राप्ति कर लीजिए फटाफट। ये जीरो रेफरेंस माना, जीरो रेफरेंस कहीं पे भी मान सकते हैं, तो यहां पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मान लिया मैंने v नॉट मिनिमम वेलोसिटी है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विदाउट द स्ट्रिंग बिकम स्लैग, और ऑलवेज स्ट्रिंग इज टाउट, दोनों का एक ही मतलब है। यस, तो पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल जीरो रेफरेंस के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, लेकिन अब का जो हाइट है वो 3R का हाइट है। कितना हाइट है बेटा? 3R का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी 3R। बहुत बढ़िया सर। अगला काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम वी टॉप का स्क्वायर। वी टॉप कितना रूट अंडर 2gr, ये हमने निकाल लिया है अपने एनालिसिस से, तो मैं उसका स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2gr का होल स्क्वायर। इस लाइन को क्या तुम अच्छे से समझ लिए हो? अगर इस लाइन को अच्छे से समझ लिए हो बेटा, तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया मजा आएगा और ये चीज को तुम पक्का का पक्का सॉल्व कर लोगे। बोलो डन है या नहीं है? यस सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बस अगले लाइन में आंसर की प्राप्ति होने वाली है। यस सर, ये एम 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 निपट गया। ये वी नॉट स्क्वायर बाई टू, वी नॉट स्क्वायर बाई टू किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा 3gr, देखो बेटा, और ये रूट अंडर जी आर का होल स्क्वायर तो हो गया 2gr, और एक 2 और एक 2 निपट गया, तो ये हो गया 3gr प्लस, जल्दी बता दो बेटा, gr, देखो बेटा 3gr प्लस gr, तो ये क्या हो चुका है 4gr सर, बहुत ही बढ़िया, और इसको 2 से मिला तो ये क्या हो गया 8gr, v0 का स्क्वायर हो चुका है 8gr, तो v0 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 8gr, आंसर की प्राप्ति हो चुकी है 2 रूट 2gr इज द मिनिमम वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे? 2 रूट 2gr, सो दैट द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। देखो बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चे थोड़े से डरते हैं। मैंने बोला था मेरा मकसद है तुम्हारे अंदर का जो डर है ना उसे निकाल के फेंक देना बेटा, तो वो तब होगा जब चीजों को तुम अलग अलग तरीके से समझोगे। ये रिजल्ट किसे नहीं पता है, तुम में से जितने लोग देख रहे हो सबको पता है, लेकिन क्या सबने इसका सही आंसर निकाल दिया है? तो बेटा मैं चाहता हूं कि अगर तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के कैसे भी क्वेश्चंस आपसे निकलने चाहिए, मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जिससे बच्चों के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, राइट? तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या ये क्वेश्चंस का लेवल जो है क्या उस पर्पस को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या आपके अंदर का डर निकाल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार हैं बेटा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हैं। चलिए थैंक यू बच्चा लोग, सीखते रहिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, जल्दी से पॉज करके सॉल्व कीजिए, मजा आएगा आपको। एक बेहतरीन क्वेश्चन हर एक बुक में दिखता है, जेई को ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पसंद है ना कि ये कब से पूछ रहा है मुझे नहीं पता, आईटी एडवांस का जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तब भी पूछा ये क्वेश्चन, इरोडोम में क्रोटोम में दुनिया का कोई भी बुक जो एडवांस को है करता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन मैं क्यों लिया हूं उसके पीछे का पर्पस है, तुम्हें सेंटर ऑफ मास फ्रेम समझाना, तुम्हें बताना कि दुनिया वाला इस क्वेश्चन को कैसे करता है, और तुम जानते ही हो आदि सर स्टार मेथड इस क्वेश्चन के लिए क्या है, कैसे तुम एक दो लाइन में ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करोगे जो कि इतना ज्यादा कठिन क्वेश्चन होता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, जल्दी से कीजिए फटाफट बेटे। अ बॉल ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन ए, ए पोजीशन से मैंने बॉल को रिलीज कर दिया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बोल रहा है द मास ऑफ द वेज इज 2m, इस वेज का मास है 2m, व्हेन बॉल रीचेस एट बी, बॉल जो है वो बी पे रिचेज हुआ है, तो इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन, मैंने कोई फ्रिक्शन विक्शन की बात नहीं की है, तो मुझे और बढ़िया करने के लिए मैं कुछ चीजों को मेंशन करता हूं तुम्हें, मैं बता देता हूं कि ये भी सरफेस स्मूथ है, ओके, और ये भी सरफेस स्मूथ है, बोथ द सरफेसेस आर स्मूथ, ये दोनों सरफेस स्मूथ हैं, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, एंड द रेडियस ऑफ दिस पॉप इज नेग्लिजिबल इन दिस सिचुएशन, तो इस चीज के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑल्दो आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा जिसमें इसका रेडियस लेके भी किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताऊंगा कहां चेंजेस आएंगे, राइट? यस, फिलहाल इस बॉल को हमारे जो पीपीटी बनाने वाले हैं वो ज्यादा बड़ा कर दिया है, ऑल्दो ये बहुत ही छोटा सा है जिसका रेडियस नेग्लिजिबल है, ओके सर, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो आप, पॉज करके फटाफट सॉल्व कीजिए और फटाफट आंसर बताइए बेटा, जल्दी से। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा दो डिफरेंट मेथड से, बताऊंगा तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स और एक मजेदार चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो तीन चार कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझेंगे पहले, फिर से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जरा वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या लगेगा सर? इसमें भी लगेगा दो तरीके का कॉन्सेप्ट, एक मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है ना,
एमसीपी मैं इसे बोलता हूं, दुनिया इसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलती है, COLM, मैं एमसीपी बोलता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और एक लगेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्योंकि सारे के सारे सर्फेसेस स्मूथ है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ये भी स्मूथ है और ये भी, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा। होगा क्या, जरा फिजिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे ही ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे ही ये वाला बॉल थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका एक नॉर्मल इधर की तरफ आ जाएगा। बोलो आएगा? बिल्कुल आएगा सर। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। ये जो कंपोनेंट है वो इस वेज को इधर की तरफ चला देगा बेटा। तो केस सर, जब ये इधर आ रहा होगा तो ये इधर भी जा रहा होगा। बिल्कुल सही समझ में आया। तो ये जब इधर आ रहा होगा तो ये इधर जा रहा होगा, ये इसका फिजिक्स हुआ। मतलब जब ये यहां पे पहुंचेगा तब इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये फिक्स नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन मजेदार है कि ये जैसे ही इधर आना शुरू होगा ये भी चलना शुरू कर देगा। तो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शन रीड करना सिखाता हूं तुम्हें। ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। देखो, बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो बॉल है ये वेज है, बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, इसने ऐसा बोला। ओके, ये दे दिया। फिर बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वेज, वेज का भी वेलोसिटी पूछ दिया। देखो आईटी में मोर देन वन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और जो नीट के बच्चे देख रहे हो उनको 5 क्वेश्चन कैसे सीखते हैं एक ही क्वेश्चन से, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तुम। यस, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज ये भी पूछ दिया। और देखो ये ऑप्शन देखो, velocity of ball with respect to wedge और velocity of ball with respect to wedge का, ये दो options मैंने बनाया है। तो इस तरीके से हमें ये सारा कुछ समझ में आया question के बारे में। चलिए जल्दी से question को read कर लिया है सर, तो आपने बता दिया इस question को solve करने के लिए MCP और MECP लगाएंगे, done? हाँ। अब जरा एक और बात समझना, तुम्हें basic एक ज्ञान है क्या कि अगर कोई भी body का mass है m और ये smooth surface पे है और एक बंदा है, ये बंदा यहां से इसके रिस्पेक्ट में यू रिलेटिव से कूद जाता है, अगर ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में यू रिलेटिव से कूदता है तो ये कितने से जाएगा, या ये तुम्हें आता है क्या? ये मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं। अगर इसका मास है m तो तुम लिखते हो m इंटू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाय m प्लस m। क्या ये तुम्हारे पुराना ज्ञान है तुम्हें कि इस ये है वेलोसिटी इसका, तो अगर ये बंदा इस जैसे ये कूद रहा होगा उस टाइम पे ये v नॉट से जा रहा होगा, तो ये जो v रिलेटिव है ये इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है तो m into u रिलेटिव बाय m प्लस m। ऐसा सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें, तो मैंने ये भी लिख दिया तुम्हें, इसका मैं यूज करूंगा अपने आदि सर स्टार मेथड में। और एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जरा देखना कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर। ये सी फ्रेम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में खत्म कर देता है। इसका डिटेल एनालिसिस तो उसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और बाकी टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, सर के पास जाना पड़ेगा, जो तुम्हें सी फ्रेम बताएं। आई डोंट नो कि ये थ्योरी तुम्हें आता ही नहीं आता, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सी फ्रेम का क्या मतलब होता है? सेंटर ऑफ COM फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ये, सी फ्रेम का ये मतलब होता है। तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, जरा सुनना सुनना भाई, अब दिमाग चाहिए थोड़ा सा, सुनना पूरा, अटेंशन चाहिए भाई, अटेंशन चाहिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम जो होता है वो होता है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। म्यू को क्या बोलते हैं बेटा? ये म्यू को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। कैसे होता है? अगर दो मास है तो इसका रिड्यूस्ड मास होता है दोनों का प्रोडक्ट mm बाय m प्लस m, तो ये होता है इसका रिड्यूस्ड मास। ठीक है,
तो किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। डेरिवेशन तो मैं नहीं बता सकता अभी बेटा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा दोबारा और अदरवाइज सीखना पड़ेगा। अभी ये समझिए, इसका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, अगर तुम्हें खतरनाक वाले निकालने हैं तो। म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, म्यू होता है m1 m2 / m1 + m2, राइट। एंड सेंटर ऑफ मास में किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा जीरो होता है। सुनना बात को ध्यान से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम ऑलवेज जीरो होता है, इसीलिए सी फ्रेम को बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। क्या बोलते हैं? जीरो मोमेंटम फ्रेम। इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो मोमेंटम फ्रेम। अच्छा, तो ये जीरो मोमेंटम फ्रेम किस लाइन से आया? मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। मोमेंटम किसका? सिस्टम का। ऑलवेज कितना होगा? जीरो। इसीलिए ये बेहतरीन चीज है, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमेशा जीरो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। ये दो कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन होता है, जो अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं बताने में, लेकिन ये रिजल्ट को यूज करना सिखाऊंगा। सीख लिए तुम? तो ये तो मैंने बताया मेथड वन का तरीका, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा और एनर्जी कंजर्वेशन आंसर आएगा, और ये मैं दो लाइन लिखूंगा और आंसर आएगा, और ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े यूज करूंगा मैं, राइट। यस सर। चलिए अब आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर, चलिए देखते हैं। सर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जब यहां आया उस टाइम पे इसका वेलोसिटी बताओ। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। मान लिया यहां पे ये अपने पास है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये है अपने पास बेटा वेज। देखना ध्यान से देखना। मान लिया जब ये वाला बॉल जो है, ये जब यहां से उड़ के यहां तक आया, यहां पे आया, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी जो है इसके रिलेटिव में वो यू है। ये यू क्या है? रिलेटिव में यू रियल लिख देता हूं। और ये जब यहां पे आया तो ये इधर जा रहा होगा, मान लिया वो वी से जा रहा होगा। तो जरा देखना बेटा ध्यानपूर्वक, जरा देखना, ये इधर आएगा तो ये इधर भी जाएगा, है ना, और ये वाला इधर भी आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। यस सर, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा। मैंने माना कि इस बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज यू रिलेटिव है। मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं माना, लेकिन इस क्वेश्चन वालों ने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी बॉल का वेलोसिटी पूछा है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यस सर। तो देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल, देखना, विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। यही पढ़े हो आप? यस सर, बिल्कुल पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या है? यही तो है यू रिलेटिव। यस सर, ये यू रियल है। मान लिया लेट यू रेल इज इक्वल टू यू, यू रेल को मैंने मान लिया यू, बाद में यू लिख दूंगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या मतलब? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें नहीं पता है सर, तो मैं क्या लिखता हूं? इसको लिख देता हूं वी बी, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें पता है सर, कितना? वी। लेकिन वो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, जरा देखना, माइनस ऑफ माइनस वी। क्या इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? सर वेज का वेलोसिटी तो वी माना है आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इधर जा रहा है इसीलिए आपने माइनस लिख दिया, और ये इधर आ रहा है तो ये आपने पॉजिटिव लिखा है यूरेल, और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता नहीं है, निकल गया। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? यू रिलेटिव, तो यू माना है मैंने, यस, और ये प्लस है तो ये इधर जाके माइनस। तो ये हमें बॉल का वेलोसिटी मिल चुका है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत ही मजेदार चीज सिखाने के लिए आया हूं। अगर पूरा तरीके से कंसंट्रेशन रहा तो रियल में मजा दिला दूंगा। अभी मैं मेथड वन बता रहा हूं जो सारे दुनिया के लोग बताते हैं, मेथड टू अभी बचा हुआ है जो दो लाइन में आंसर निकालेगा, देख लेना अभी, राइट। सी फ्रेम वगैरह का बढ़िया बेहतरीन यूज क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं सिखाऊंगा मैं। तो ये सर बॉल का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता चल गया। यस, शुरुआत में ये सिस्टम यहां पे है, हाँ, शुरुआत में क्या इसका कोई वेलोसिटी था? नो सर। क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नो सर। तो
तो अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना सिस्टम का? जीरो। कितना? जीरो। फाइनल मोमेंटम बॉल का भी है और वेज का भी है। वेज का मास 2m है, बॉल का मास m है। बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी u माइनस v है, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? m इंटू यू माइनस वी। ओके, ये इधर बॉल का लिख दिया, इसका लिखना पड़ेगा माइनस, लिखा डायरेक्शन के चलते। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। माइनस टू एम इंटू वी, ये एक इक्वेशन मैंने बनाया। जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन सिर्फ दो मेथड से सॉल्व होता है, और उसमें से एक है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको मैंने यूज कर लिया। राइट, इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, डन है सर। अब दूसरा इक्वेशन, इसमें जरा देखना कौन सा लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बिकॉज कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यस। तो इसको मान लिया मैंने अभी जीरो रेफरेंस फ्रेम, यस। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी पहले, अब लगा रहा हूं एमईसीपी, और अभी लगाया एमसीपी। ओके, एमईसीपी लगा दिया तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां का पोटेंशियल कितना? जीरो। काइनेटिक कितना? जीरो। इसका काइनेटिक कितना? जीरो। ये तीन बार जीरो मैंने क्यों लिखा, क्या समझ में आया या नहीं आया बेटा? इस शुरुआत की बात कर रहे हो सर, इसको मान लिया जीरो रेफरेंस, ये यहां पे था शुरुआत में, हाँ, तो ये जीरो रेफरेंस पे पोटेंशियल जीरो। काइनेटिक इसके पास भी नहीं था, इसके पास भी नहीं था, सारे जीरो, यस बेटे। अंतिम समय में क्या हुआ, ये जीरो से नीचे आ गया, कितना नीचे आया? आर नीचे आया, तो इसमें लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो लिखोगे माइनस एम जी आर, बहुत सुंदर। प्लस इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, यस सर, काइनेटिक एनर्जी। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगाते हैं अपन बेटा, अदरवाइज सी फ्रेम का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना कि ये मैंने कैसे लिखा है, ये निकाला यहां पे रिलेटिव का यूज करके, डन, यस सर। क्योंकि ये भी, ये जैसे ही ये बॉल ऐसे आएगा, ये चलने लगेगा भाई, तो इसके ऊपर वो उधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा, इसीलिए इस रिलेटिव की रिक्वायरमेंट है सर। अच्छा, तो ये एक इक्वेशन से आ जाएगा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन एमईसीपी लगाया मैंने, शुरुआत का सब चीज जीरो, फाइनली ये लॉस इन पोटेंशियल माइनस एमजीआर। इसके बारे में जब लिखोगे तो हाफ इंटू टू एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू, इसका वेलोसिटी जो है वो यू माइनस वी है, तो लिखोगे यू माइनस वी का होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन तुम्हारे सामने है। कैसा मजा आया बेटा? बहुत बढ़िया मजा आया। तुमने पूरे कॉन्सेप्ट सीखे, तुमने बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, देखा कि दुनिया लोग वाले कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो मजा, अब बुखार आएगा तुम्हें। इक्वेशन तो बना भी लोगे, लेकिन बुखार अब आएगा तुम्हें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे। देखोगे यहां यू माइनस वी का होल स्क्वायर, अच्छा वी यानी कि वेरिएबल कितने हैं भाई, यू वी, और इक्वेशन कितने हैं, दो, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व होने वाला है, तो सॉल्व करो बैठ के। अब मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व करता ही नहीं हूं, लेकिन एज अ टीचर मेरा प्राइमरी रिक्वायरमेंट था कि मैं तुम्हें एक बेसिक फिजिक्स को सिखाऊं, तो मैंने तुम्हें पूरा सिखाया। अब मैथमेटिक्स तुम्हें आता है, तो मेरा मेथड आता है बेटा आदि सर स्टार मेथड, तुम्हारे सामने ये रहा। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा देखना, दो लाइन लिखूंगा और आंसर आएगा। ये भी वैसे दो ही लाइन लिखा है, वैसे अगर तुम देखो तो ये एमसीपी और एमईसीपी दो लाइन लिखा है, और आंसर निकालो, लेकिन आंसर निकालने में बुखार आएगा। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी को ना इस क्वेश्चन से बहुत ही प्यार है यार, पता नहीं कितनी बार पूछा है इस क्वेश्चन को, पता नहीं कितनी बार, यूरोडॉप करो, हर एक जगह इस टाइप के क्वेश्चन का भरमार पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पसंद आ जाता है जेई को। अब मेरा मेथड देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या है। अब मेथड टू, हमेशा की तरह तुम मुझे बताओगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है, ठीक है? चलो देखना, मैंने ये वाला फोटो बना दिया है, ये सर बहुत ही बढ़िया बात है, ये जा रहा है इधर सर वी से, और ये वाला इधर जा रहा है यू से, लेकिन ध्यान रखना है ये यू यू नहीं है, ये यू रिलेटिव है, यस सर। और यहां पे मैंने जीरो रेफरेंस माना है, और ये वाला चीज हमने क्या किया, आर लिख लिया, डन है, हाँ सर।
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताने के टाइम पे तुम्हें पता है अगर कोई चीज किसी के ऊपर है और ये अगर पहले रुका हुआ है भाई, पहले रुका हुआ है सर, और अब नया सिचुएशन में ये चल रहा है यू रिलेटिव से, ये चल रहा है वी से, तो वी का वैल्यू क्या होता है, एम इंटू यू रिलेटिव बाय एम प्लस एन। बहुत बढ़िया, इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसे सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आता है, इसे सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, इसे सॉल्व करो वही आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक। यस सर, चलिए तो अब आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू m इंटू यू रिलेटिव, वो u के बराबर बाय m प्लस m, m कितना m और ये कितना 2m, तो मतलब 3m, खुपाच u बाय 3। अच्छा, यानी कि ये अगर यू रिलेटिव से जाएगा तो ये यू बाई थ्री से जाएगा। हाँ बेटा, कैसे यूज किया, एम इंटू यू रिलेटिव बाय एम प्लस एम, डन। एक इक्वेशन यूज किया हूं और अपने पास एक इक्वेशन है। अब सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल निकाला। मैंने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सी फ्रेम में निकाला। तो सी फ्रेम में पहले सब चीज का पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। सी फ्रेम में एक एक का नहीं लिखना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी, यही बेहतरीन बात है, पूरा सिस्टम का ही काइनेटिक एनर्जी बता देगा। यस सर, और कैसे, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। यस सर, तो हाफ देखना, म्यू म्यू मतलब m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 3m लिख दूं बेटा। हां जी सर, और मैंने बोला ये यू रिलेटिव ही है, यानी कि इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें पता है यू रिलेटिव ही है। हाँ सर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यू का स्क्वायर। अच्छा, तो ये फायदा उठा लिया आपने यू रिलेटिव का। यस, इसीलिए मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव होता है, और वो मैंने माना ही था वी रिलेटिव इसीलिए। अच्छा, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। हाँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये जीरो रेफरेंस से ये मास यहां तक आया, तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो लिख लो माइनस mgr। बोलो मजा आया तो हां और नहीं आया तो ना, और ये रहा आपके सामने आंसर, ये 2 से 2, खुपाच जल्दी देखो बेटा, ये और क्या टकाक। अच्छा, तो ये mgr इधर कर दूं। हां जी सर, mgr इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा m into u square, m into u square by 3। बहुत ही बढ़िया सर, और मजेदार बात तुम्हारे सामने आ चुका है, ये m से m, खुबाच। तो ये क्या हो गया, u is equal to u relative, वो हो चुका है root under gr by root under 3gr, क्या हो गया है root under 3gr। बोलो मजा आया या नहीं आया, बोलो बेटा मजा आया या नहीं आया। अच्छा, आपने यू रिलेटिव निकाल दिया। हां जी भाई लोग, क्या मैंने बोला था ना, एक इक्वेशन सॉल्व करने में भी आसानी, और यू रिलेटिव आंसर की तैयारी है। हाँ, तो वी क्या हो गया, यू बाय 3, तो यू कितना, रूट अंडर 3gr बाय 3। बोलो क्या मजा आ रहा है जीवन का। यस सर, जरा देखो इसको सॉल्व करो, इस 3 को रूट के अंदर पकड़ाता हूं भाई, तो रूट के अंदर पकड़ाऊंगा तो ये 3 दो बार अंदर ले जाना पड़ेगा। हां जी सर, 9 लिख दिया क्या आपने, बिल्कुल बेटा, 3 3 जा 9, तो ये हो चुका है रूट अंडर जी आर बाय 3, यानी कि v का वैल्यू आ चुका है सर रूट अंडर जी आर बाय 3। वी का वैल्यू रूट अंडर जी आर बाय 3। जरा इसको देखो, एक पेज और ऐड करना मांगता है। यू का वैल्यू जो है वो यू रिलेटिव है, जो कि है रूट अंडर 3gr। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या यार बच्चों, रूट अंडर 9gr, है ना। जरा देखना, मैं क्या करना चाहता हूं, जरा देखना। सबसे पहले मैं ऑप्शन, अच्छा इसको छोड़ दो, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, चलो, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी भी हमें पता चल चुका है और वो भी पता चल चुका है। तो ये लो ऑप्शन, ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने अभी नहीं निकाला है, वेलोसिटी ऑफ वेज मैंने निकाला है, v का वैल्यू तो निकाला है ना यार मैंने, v का वैल्यू क्या आया जल्दी देखो, वेलोसिटी ऑफ वेज क्या आया बेटा, रूट अंडर जी आर बाय 3, यही तो है वेज का वेलोसिटी, और आंसर आ चुका है रूट अंडर जी आर बाय 3। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन वन ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा,
ध्यान देना, तो एक आंसर से पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर देखो ये हमने निकाला नहीं, निकालना पड़ेगा। बोला वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये तो हमने निकाला है। हाँ जी सर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू वेज आपने निकाला, लेकिन इसने ऑप्शन में खेल खेल दिया है। मैंने निकाला है रूट अंडर 3gr, मैंने निकाला है रूट अंडर 3gr, लेकिन ये ऐसा लिख दिया। इस 3 को अंदर करके देखो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 3 को अंदर ले गया तो कितना हो गया, 9gr बाय 3। ये ऑप्शन से खेलो बेटा, खुबाच खुबाच। यस सर, ये तो रूट अंडर 3gr को ही उल्टा सीधा करके लिखा है। तो तुम्हें बेटा दिमाग खोल के जे एडवांस देना पड़ता है, उसकी भी फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें। ये एक टीचर का काम है जो तुम्हें सिखाए ये सब चीज, एक बेहतरीन चीज सिखाए, ऑप्शंस को डील करना सिखाए, मोर देन वन ऑप्शन सिखाए। इसीलिए मैं आया हूं तुम्हें बेटा पूरा तरीके से तुम्हारा फिजिक्स को निखारने के लिए और डर को उठा उठा कर फेंक देने के लिए। यस, तो ये भी ऑप्शन हो चुका है सही सर। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दो चीज। ओके, तो वेज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो ये तो गलत हो गया। हां जी सर, ये गलत हो चुका है। अब ये ऑप्शन हमारा चेक अभी नहीं हुआ है, करो चेक। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा, वो है वी यू माइनस वी। क्या है? यू माइनस वी, वो तो हमेशा वही रहेगा। तो मुझे निकालना है अब यू माइनस वी। हाँ जी, आपको निकालना है यू माइनस वी, और इसको आपने क्या लिख दिया है बेटा, इसको आपने क्या लिख दिया है बेटा? सर इसको 3 से ऊपर 3 से नीचे ले गए थे अपन, तो ये हो गया है रूट अंडर जी आर बाय 3। यही तो लिखा है ना यार अभी तुरंत। अरे रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखा है, रूट अंडर 3 रूट अंडर जी आर बाय 3 लिखा है या नहीं लिखा है? अबे ये तो सिखा रहा था 3 रूट अंडर जी आर बाय 3, तो यही तो है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये यू का वैल्यू है, यू का, किसका यू का, किसका यू का, यू का वैल्यू है 3 रूट अंडर जी आर बाय 3। यस सर, तो ये हो चुका है 3 रूट अंडर जी आर बाय 3। अबे इसको ले जाना अंदर, यही तो हो गया। यस, तो यू का वैल्यू क्या हो गया है 3 रूट अंडर जी आर बाय 3। माइनस v का वैल्यू क्या आ गया भाई, v का वैल्यू क्या आ गया? सर अभी आपने बताया v का वैल्यू रूट अंडर जी आर बाई 3। हां जी बेटा, माइनस रूट अंडर जी आर बाई 3। अबे ये सब्ट्रैक्शन आता है तुम्हें या नहीं? हां जी सर आता है, 3x में से x गया कितना 2x, तो वैसा ही तो है ये, तो 2 रूट अंडर जी आर बाई 3। तो आंसर की प्राप्ति हो चुकी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रूट 2 रूट अंडर जी आर बाई 3। यस सर, 2 रूट अंडर जी आर बाई 3, देख कहां पे है बेटा। यस, मजा आ चुका है जीवन का, फाइनल आंसर आ चुका है ए बी डी, और इस तरीके से मोर देन वन ऑप्शंस को टैकल करना सिखाया। बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा बहुत ही बढ़िया मजेदार मेथड लगा तुम्हें, ये वाला जो बेसिक मेथड था, है ना, ये वाला जो बेसिक मेथड था, और ये वाला जो सी फ्रेम वाला मेथड था बेटा। दो लाइन में आंसर निकाला, एक एमईसीपी सी फ्रेम में लिखना भी सिखाया तुम्हें, क्या मजेदार आया समझ में। अब इसको ना हजारों क्वेश्चंस में मैं यूज करता हूँ यार, टू ब्लॉक में स्प्रिंग वगैरह का कंप्रेशन निकालो, ये निकालो, सारे क्वेश्चंस यूं निकल जाते हैं सी फ्रेम पे। एक सिंगल लाइन लिखोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी सी फ्रेम पे चलता है और मैकेनिकल एनर्जी दोनों, तो थोड़े प्रैक्टिस करोगे तब और धमाकेदार मजा आएगा, राइट? यस सर, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यूज करना, देखना कितना मजा आता है। चलो, और मुझे कमेंट करके फटाफट ये भी बताना कि कौन सा मेथड बढ़िया लगा, जल्दी से फटाफट बता बेटा, पहला या दूसरा, और कितना मजा आ रहा है तुम्हें इन जेई के क्वेश्चंस को करने में, रोडोव के क्वेश्चंस को करने में। चलिए, जरूर से फटाफट कमेंट चाहिए भाई, तभी एनर्जी मिलेगा मुझे, और थैंक यू, तुम लोग बहुत एनर्जी देते हो मुझे, इतना सारा कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि कुछ और बढ़िया करो जो बच्चों को और ज्यादा अच्छा मजेदार तरीके से समझ में आए, राइट ना? ये क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कीजिए, तो देखते हैं कौन करते हैं, फटाफट बताइए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पता नहीं फिर से कितनी बार आया है, जब तुम रियल में करने लगोगे ना क्वेश्चंस, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा होता हूँ, ठीक है? तो और ये क्वेश्चन फिर से हर एक बुक में है, रोडोब में और जे एडवांस के पास्ट क्वेश्चंस में, और एक जगह नहीं मिलेगा, 5-5, 7-7 जगह पूछा है ये क्वेश्चन को। तो तुम लोगों ने किया तो है ऐसे क्वेश्चंस बहुत, लेकिन फोर्स लगा के पता नहीं किया।
अगर एक तरफ फोर्स लगाया तो कैसा होगा? इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, तुरंत से अभी देखना, थोड़ी ही देर में मैं एक ब्लॉक ले लूंगा, हाँ, एक स्प्रिंग लगा दूंगा, हाँ, मैं यहां पे भी फोर्स लगा दूंगा, मान लो F1, मैं यहां पे भी फोर्स लगा दूंगा F2, तो भी एक नया क्वेश्चन बना दूंगा मैं। अच्छा ऐसा क्या सर? हाँ, मान लूंगा मैं इसका मास है M2, इसका मास M1, इसका भी आंसर तुम तुरंत से बता पाओगे। मैं यहां पे एक फोर्स लगा दूंगा कुछ भी F by 2, यहां पे लगा दूंगा 10F, अलग अलग फोर्स लगा दूंगा तो भी तुम बताओगे, इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो भी तुम बताओगे, तुम हर एक तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन का कोई भी मॉडिफिकेशन हम कर पाएंगे, बिल्कुल, आप बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना और सुनना। चलिए मैं अब करता हूं फटाफट, आप लोग पॉज करके तब तक आंसर तो बताइए मुझे, तभी तो मजा आएगा सर। हां जी बेटा, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, मजा तो तब आएगा जब आप अटेम्प्ट करोगे, फिर सीखोगे। चलिए मैं रीड करता हूं तब तक। चलिए बेटा, सर ये बोला ब्लॉक ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ये एक कैपिटल एम का ब्लॉक है और ये स्मॉल एम के ब्लॉक से कनेक्टेड है। बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट एक के है सर, बहुत ही सुंदर। द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या रख दिया, एक ब्लॉक को रख दिया बेटा। एंड द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। अच्छा तो हमारे फिर से एक थोड़ा सा टाइपो कर दिया है, तो कोई बात नहीं है बेटा, ये है स्मॉल एम, ये है क्या बेटा, ये है स्मॉल एम, जल्दी देखिए, ये है स्मॉल एम और ये है कैपिटल एम। क्यों सर ऐसा, क्यों सर ऐसा, क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, जरा सुनना, क्वेश्चन वालों ने बोला व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम टू पुल इट, यानी कि स्मॉल एम के ऊपर इसने मास लगाया है, कहां पे, स्मॉल एम के ऊपर इसने मास फोर्स लगाया है, और ये क्या है, कैपिटल एम। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कैपिटल एम के लिए ये बिगर ब्लॉक है और ये स्मॉलर के लिए छोटा, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ वो भी ठीक था, फिर तो फिर इसे चेंज कर दो, इसे लिख दो फिर तुम कैपिटल एम, बोलो क्या करो। तो ये चलो यही बढ़िया है, चलो ऐसा ही रहने देता हूँ, कैपिटल एम और स्मॉल एम, और इस चीज को कर देता हूँ बेटा मैं, जल्दी फटाफट देखो, फटाफट देखो सर, इस चीज को कर दो आप कैपिटल एम। चलिए हो गया क्वेश्चन, ये तो अपने हाथ में है, तुम्हें आना चाहिए, तुम भी ऐसे ही खेलना शुरू कर दोगे, पता है मजा आएगा तुम्हें खेलने में, तुम खुद सोच लोगे क्या सही है क्या गलत है, एक बार दिमाग लगाना तो सोचो। चलिए तो रीड कीजिए क्वेश्चन सर, आपने बोला व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, कैपिटल एम पे लगाना शुरू किया टू पुल इट, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है ये मैंने पूछा, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखना मैं इसको अच्छे से बताता हूं, फटाफट पहले आंसर करो, जल्दी से दो तीन बच्चा आंसर तो बताओ यार, दो तीन बच्चा तो बताओ यार फटाफट, कम से कम सर दो तीन क्यों, हम तो खजाने में हैं, 10,000 बच्चे 20,000 बच्चे, यस बताओ बेटा, लाख बच्चा बताओ, फटाफट कमेंट चाहिए यार, तुम लोग करते नहीं हो, पेन वेन चलता नहीं है, चुपचाप ऐसे बैठकर मूवी देख रहे होते हो, मूवी तो नहीं चल रहा है, अरे जे एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिजिक्स का तगड़ा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यार, कॉपी कलम लेके बैठा करो और मजे लिया करो जीवन का भाई साहब। यस सर, चलिए आ जाइए जल्दी से देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का टेक्निक, ये तो बीच में मैंने रख दिया क्या, चलो इसको बाद में नीचे कर दूंगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक ब्लॉक है, जरा ध्यान देना बेटा, और एक स्प्रिंग है, एक और ब्लॉक है, हाँ, इसका मास कैपिटल एम है, हाँ, इसका मास स्मॉल एम है, बिल्कुल सही सर, और यहां पे मैंने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया, इस इंस्टेंट पे ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, अभी कोई कुछ कहीं पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा और ये भी स्मूथ है, यही क्वेश्चन था। हाँ जी सर बिल्कुल यही क्वेश्चन था। जरा देखिएगा फिजिक्स, इस क्वेश्चन का फिजिक्स देखिए, ये स्मूथ सरफेस पे है, जैसे ही तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओगे टक ये तुरंत से चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे है, और जैसे ही थोड़ा सा एकदम तिनका सा खिंचाएगा ये स्प्रिंग तुरंत से इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा के एक्स, छुटकी सा के एक्स, हाँ, तो ये तो तुरंत से हिल जाएगा, यस, क्योंकि स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉडी को मूव करने के लिए इनफाइनिटिजिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी सफिशियंट है, क्योंकि बॉडी के ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बॉडी मूव कर जाएगा सर,
क्योंकि ये वाला बॉडी के ऊपर जो है कोई भी चीज है नहीं रोकने वाला, तो अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो ये ब्लॉक बॉल ब्लॉक तो मूव कर जाएगा। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। यस तो देखिए, तो अब तो बड़ी खतरनाक फिजिक्स हो रही है। इसको तुमने खींचा खूब, आज ये थोड़ा सा चला और ये भी चलने लगा। इसका मतलब वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, हाँ ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है यार। तो अब किस सिचुएशन में इस स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आएगा, क्या वो सोचने में तुम्हें मजा आ रहा है? सोचना, फिजिक्स को सोचना, अभी ऐसे मत आंसर देखना। तो इस क्वेश्चन को ना एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं तुम्हें बताता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। फिर से, अच्छा सेंटर ऑफ मास, यस चलो देखना जरा सा। मैं क्या किया, मैंने बोला कि बेटा तुम इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, तुमने बोला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है m1 a1 m2 a2 by m1 plus m2। क्या यही होता है बेटा? हां जी सर। इसका एक्सेलरेशन मान लिया a1, मान लिया a1, a1 क्या होगा बेटा? इसका एक्सेलरेशन a1 क्या होगा सर? इसके ऊपर जस्ट इनिशियल टाइम पे, इनिशियल पॉइंट पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है f मास m, तो ये हो जाएगा f by m। हां, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये स्प्रिंग तो बाद में आएगा ना यार, शुरुआत में तो नहीं है ना? हाँ सर, और शुरुआत में जस्ट ये फोर्स होगा, तो शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन ये है और शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन जीरो है। बहुत बढ़िया सर। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब निकालोगे तो आप लिखोगे m इंटू एफ बाई एम, हाँ जी सर, प्लस स्मॉल m इंटू जीरो, हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत मजा आयो, m प्लस m, तो क्या हो जाएगा, ये m से m खुपाच खुपाच हो गया। देखो हुआ या नहीं हुआ भाई? अरे ध्यान इधर होना चाहिए बेटा, बता दे रहा हूं मैं, ये खुपाच खुपाच, तो ये हो गया है f डिवाइडेड बाय m प्लस m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डन। अब मैंने तुम्हें बोला कि बेटा इधर आ जा, तुमने बोला ठीक है सर रेडी हूं मैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा। तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। सेंटर ऑफ मास इस सिचुएशन में नॉन इनर्शियल है। द रीजन इज सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन है, और मैंने तुम्हें बताया है कि तुम हो वेरी पावरफुल, जहां पे बैठता हो वही रुक जाता है भाई। तो तुम्हें मैंने बैठा दिया कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे। मान लिया सेंटर ऑफ मास ये है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर है, क्योंकि जिधर इसका एक्सेलरेशन है, राइट? तो जब तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो ये क्वेश्चन में तुम्हें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हां सर, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो ये फोर्स, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इसके ऊपर का जो सूडो होगा वो इधर लगेगा, वो लगेगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मजा आया? हां जी सर, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, ध्यान इधर भाई, जेई ने कम से कम 5-7 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा है, बता दे रहा हूं मैं, और फिर से पूछ देगा, उसने कुछ नया चीज ऐड करेगा, पूछ देगा, डन। तो देखो ध्यान से जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसको पलट दिया, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में सूडो लगा दिया। हां जी सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो किधर लगेगा? इधर। हां जी सर, कितना? इसका मास इनटू एफ बाय एम प्लस एम। यानी कि दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वेश्चन इन विच यू आर सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जरा देखना भाई, यू आर एट सेंटर ऑफ मास फ्रेम यहां पे, एंड द ब्लॉक हैज मास, द ब्लॉक स्मॉल एम हैज फोर्स एम एफ बाय एम प्लस एम। इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा है? एम एफ बाय एम प्लस एम। ओके, इसके ऊपर का नेट फोर्स बताओ। अच्छा, इसके ऊपर का नेट फोर्स ये वाला एफ माइनस ये वाला एफ, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स तो दोनों में लग रहा है, उसको मैंने छेड़ा नहीं है। यस, तो मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा एफ माइनस दिस, हाँ तो उसको लगा दो इधर, एफ माइनस कैप। हो समझ में आ रहा है या निपट चुके हो भाई लोग? अरे निपटना नहीं है, बता दे रहा हूं, उन्हें तो खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, निपटना नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना, निपटना नहीं है। इधर देखो कुछ नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का निकाला और तुम्हें बोला बेटा सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा। तुमने बोला ठीक है सर, तुमने बोला ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें वहां पे बैठा दिया, तो तुम्हें सूडो लगाना पड़ेगा। यस, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
पलट के लगा दिया, इसके एक्सेलरेशन के पलट के लगा दिया। मतलब अब क्वेश्चन एक इस हालात पे है कि तुम्हारे पास दो मास है, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ माइनस एम एफ बाय एम प्लस एम। जब तुमने इसे सॉल्व किया तो ये एम एफ और एम एफ निपट गया, बोलो, और ये एम एफ बाय एम प्लस एम बचा। हां जी बेटा, ये देखो क्या मजेदार चीज आया है यार, क्या मजेदार चीज आया है। 99.9999% प्रॉब्लम में हमेशा इस क्वेश्चन का ये जो फोर्स होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो, कैसा भी फ्रेम हो। मैंने सारे क्वेश्चन करके देखे हैं बेटा। अच्छा, इसीलिए आप बोलते हो ये तगड़ा मेथड। हाँ, जरा देखना, 99% क्वेश्चन में चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, तुम्हें करना क्या होता है, ये फोर्स हमेशा दोनों बराबर होते हैं, ये फोर्स हमेशा दोनों बराबर होता है। अच्छा ऐसा, हाँ, और ये कैसे होता है वो भी बता देता हूं। जिसके ऊपर लगाया तुमने फोर्स, उसका अपोजिट वाले का मास लेना होता है और डिवाइडेड बाय टोटल मास लेना होता है। अच्छा ऐसा, हाँ, जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसका अपोजिट वाले का मास, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। यस भाई, यस। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो और इधर देखो तो ऐसे एक स्प्रिंग पे ये फोर्स खींचते हुए जा रही है, किसी न किसी समय पे तो रुकेगा ना यार भाई। हाँ, तो जिस टाइम पे रुकेगा उस टाइम पे मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x2। ये दूसरा वाला है तो मान लिया ये x2 हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें खिंचाव कितना है x2। फिर मैंने इधर देखा, ये इधर खींचे जा रहा है, किसी न किसी समय तो रुकेगा, जिस समय पे रुका अंतिम समय पे है ना वही होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। हाँ, वो मान लिया मैंने यहां से x1। तो अब मैं देखो एक लाइन में बोल सकता हूं कि जिस टाइम पे ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा उस टाइम पे ये रुकेगा, पक्का रुकेगा। हाँ जी सर, तभी तो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज थोड़ा और भाग जाएगा। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस टाइम पे ये रुकेगा। यस, वेलोसिटी कितना होगा 0। इधर वाला ब्लॉक के ऊपर जिस टाइम पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस टाइम पे भी ये वाला ब्लॉक रुकेगा। हाँ जी सर, यानी कि इसका भी वेलोसिटी होगा 0, इसका भी वेलोसिटी होगा 0, यानी कि जिस टाइम पे ये दोनों ब्लॉक अपने अपने मैक्सिमम डिस्टेंसेस पे होंगे, क्या उसी टाइम पे स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा? हाँ जी सर, बोलो हाँ या ना। और उस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी क्या 0 होगा? बिल्कुल। तो मैं लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन द केस ऑफ सी फ्रेम, राइट? तो 2 सेकंड में अब आंसर आ गया, ये रहा तुम्हारे सामने। वर्क लगा दो, इस फोर्स ने जो वर्क किया और इस फोर्स ने जो वर्क किया, ये दोनों वर्क कहां पे गया? कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लिया, बोलो हाँ है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय दिस प्लस वर्क डन बाय दिस, ये दोनों वर्क कहां पे गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो मैं लिखूंगा हाफ के, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग का? x1 प्लस x2। तो मैं क्या लिखूंगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बेटा। और इस वाले कॉन्सेप्ट पे देखो जरा सा, इसमें ये वाला फोर्स ने कितना एक्सटेंशन पैदा किया? x2। ये वाला फोर्स ने कितना एक्सटेंशन पैदा किया? x1। तो नेटवर्क देखो, अगर ये फोर्स भी इधर है, एक्सटेंशन भी इधर है, इसका फोर्स भी इधर है, एक्सटेंशन भी इधर है, तो नेटवर्क डन इसका क्या होगा बेटा? दिस फोर्स इनटू x1। जरा सा ध्यान देना, बहुत ही मजेदार काम कर रहा हूं बेटा। इनटू x1, यस सर, प्लस दिस फोर्स इनटू x2, यस। और ये दोनों चीज सेम ही दिख रहा है यार मेरे को, तो कॉमन ले लूं क्या? हां जी सर। तो ये मैंने लिया कॉमन और x1 प्लस x2 लिखा। मैंने इक्वेशन कौन सा यूज किया बेटा? बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी हियर, देयरफॉर द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता, जो हुआ नहीं, तो सारा का सारा एनर्जी स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये रहा आपके सामने सीधा का सीधा आंसर। ओके, ये तो बहुत ही मजेदार बात था सर, इसीलिए बोला था हम एक लाइन लिखेंगे और आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन को कम से कम 6 times जे एडवांस में बेटा, मोर देन 1 question, सिंगल करेक्ट, पता नहीं कॉम्प्रीहेंशन सब पूछ दिया, यूरोडोप सब जगह है ये क्वेश्चन। तो तुम्हें ये मजेदार कॉन्सेप्ट सीखना है और ये लाइन ध्यान रखना है, सी फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये रहा तुम्हारे सामने में खुपाच खुपाच। तो क्या निकला यहां पे? एक बार x1 प्लस x2, और ये एक बार x1 प्लस x2 है क्या? मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, x max का। बोलो मजेदार आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं? यस। तो ये k/2, यस सर,
ये हो चुका है k by 2 is equal to, यहां पे क्या है mf by m plus m, तो ये small mf by m plus m, बहुत ही बढ़िया। तो ये x max का वैल्यू बेटा तुम्हारे सामने रहा, क्या रहा तुम्हारे सामने, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आ चुका है बेटा, ये 2 इधर, ये k नीचे, और ये वाला चीज हो चुका है mf divided by m plus m, और ये आपका आंसर आपके सामने है। बोलो कितना शानदार चीज समझ में आया। और मैंने बोला ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे, चाहे दोनों पे फोर्स लगाए, एक पे फोर्स लगाए, है ना, इधर लगाए, उधर लगाए, कुछ भी लगाए, यस यस बेटा, और कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखना, तो ऑप्शन कौन सा मैच किया है बेटा, टू स्मॉल एम एफ, क्या है टू स्मॉल एम एफ बाय के इंटू एम प्लस एम, यस सर, मजेदार बात, सी ऑप्शन आपका ट्रू हो चुका है। और सारे के सारे में मैक्सिमम एक्सटेंशन ही पूछा था, तो मैंने भी मैक्सिमम एक्सटेंशन ही निकाला है। जरा एक देखते हैं तो किसका दिमाग चलता है, बताओ पहले ये क्वेश्चन कैसा लगा, फटाफट कमेंट करो और लाइन लगा दो बेटा, फटाफट मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट कितना मजा दिया तुम्हें। अगर किसी बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर समझने में दिक्कत हो रही है, होता है बहुत सारा, सब बच्चा एक जैसा नहीं होता बेटा, तो तुम इसको थोड़ा स्पीड कम करके देखो और इसको एक दो बार देखो, क्योंकि ये तुम्हारा एक ऐसा धन है ना जो कभी भी यूज कर सकते हो तुम, ऐसे मान लो बच्चों, ठीक। तो आ जाओ, और ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में अब आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर बताना तो क्या होगा यार, कमेंट में लिखना, या नहीं तो मैं बना दूं क्या ऑप्शन बना दूं क्या, सीधा आंसर कर सकते हो अभी अगर किसी को याद हो। मैंने बोला था मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ एक्स मैक्स, तो तुम बिना कुछ किए बोल सकते हो सर जिसका फोर्स उसके अपोजिट का मास, तो F1 M2, बोलो F1 M2, यस। और ये भी तो है ना इस बार, तो इसको भी ऐड करो फिर, प्लस F2 M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, हां जी आंसर, यस। ओ भाई साहब, ये देखो जिसे आता होगा ये कितना फास्ट करेगा, जिसे ये कॉन्सेप्ट पूरा सीखा होगा। अब तो मैं कैसे भी क्वेश्चन के साथ खेलना शुरू कर दूं भाई, मैं पूछ लूंगा बताओ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला कितना गया था, ये वाला कितना गया था, अब तो अपने हाथ में है, कुछ भी इक्वेशंस बनाते जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो कुछ भी खेलते रहो, क्या दिक्कत है। यस सर, तो ये भी बच्चों थोड़ा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स काफी आपने सीखा है, आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा इन सब चीजों से, और जिसे थोड़ा सा भी दिक्कत है वो जरूर करना इसको पीछे करके। अगर मैं कोलिजन की बात करूं भाई साहब, किसकी कोलिजन की, और इन इलास्टिक कोलिजन का बात ना करूं तो यार बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि जेई को फिर से पसंद सिर्फ एक ही चीज है, कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में बच्चे थोड़ा फील भी कर लेते हैं, और ओब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन को तो बहुत ही मजेदार तरीके से जेई पूछता है। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन रखा है फिर से ओब्लिक कोलिजन के ऊपर और इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर, तो फटाफट इसको पॉज कीजिए और जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए बेटा, तुरंत से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है भाई, पेन चलते रहना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को, आ जाइए बेटे। बोल रहा है क्वेश्चन, टू स्मूथ आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल ए एंड बी कलाइड विद बी एट रेस्ट। ओके, ए एंड बी है, और ए के पास मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया, यार ये वी तुम लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, या दिख रहा होगा आई डोंट नो, ये वी वेलोसिटी लिखा हुआ है। ओके सर, ये एकदम से यहां से आया, बहुत ही बढ़िया बात है, और एकदम से टकराया टकाक, तो जैसे इससे ये बी से टकराया टकाक, उस टाइम पे इसका स्पीड वी था। हाँ जी सर, बोल रहा आइडेंटिकल, इसका मतलब दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल मतलब इसका भी मास एम होगा और इसका भी, कुछ भी जो भी होगा वो सेम होगा सर, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर बोल रहा है इफ स्पीड ऑफ ए इज वी, ये जो बॉल है इसका स्पीड क्या है, वी है। अब जरा देखना, बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से जस्ट पहले इस ए का वेलोसिटी जो है वो क्या, स्पीड वो वी है। Yes, and coefficient of restitution of for the collision is E. इन दोनों के बीच में inelastic collision हुआ, coefficient of restitution E दिख रखा है। बोल रहा है the speed of B after collision will be, इसका हमें velocity बताना है collision के बाद बेटा। तो मुझे एक एक चीज बताते चलो, चलो फटाफट बताओ E का definition क्या होता है भाई साहब, velocity of separation by velocity of approach, होता है नहीं होता, जल्दी बताओ।
कितने लोग इस बात से एग्री करते हो कि सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी अप्रोच? फटाफट बोलो, यस सर यस सर यस सर, जल्दी कमेंट चाहिए भाई इस बार, मैं रुका हुआ हूं। फटाफट बताओ कितने लोग बोलते हो ई का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यही बोलते हो तो तुम में से सब लोग गलत बोलते हो, क्योंकि अभी ई का डेफिनेशन को कैसे यूज करोगे वो मुझे पता ना तुम लोग। तो यहां पे एक चीज होता है, बच्चे ना ये रट्टा मार के बैठे रहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, वी सेप बाय वी एफ होता है। नहीं बेटा, वी सेप बाय वी एफ होता है बट सिर्फ एक डायरेक्शन में, और वो है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अच्छा हाँ, अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में ये चीज होता है, कहीं पे भी नहीं हो जाता है। अच्छा, तो कॉमन नॉर्मल मतलब सर, मतलब ये जरा देखना, मान लो अगर ये वाला चीज मैंने लिया है यहां पे, मान लो जरा सा यहां पे ये वाला चीज लिया, ये है कॉमन टेंजेंट। ये क्या है? कॉमन टेंजेंट, दोनों के टच वाले पॉइंट से मैंने निकाल दिया, ये है कॉमन टेंजेंट। और यहां पे ये इसको हिट किया, देखो बेटा जरा सा, देखो बेटा यहां पे ये इसको हिट कर रहा है यहां से टकाक, तो ये है कॉमन नॉर्मल। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल, राइट? यस, ये भी है कॉमन नॉर्मल। हाँ, ये दोनों कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है। यानी कि जब भी तुम ई का डेफिनेशन यूज करोगे, तुम्हें ये बात मेंशन करना पड़ेगा कि ई जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी अप्रोच होता है, किधर? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। और यहां पे भी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इस डायरेक्शन में जो होता है उसका सेपरेशन और उसका अप्रोच का रेशियो होता है बच्चे, राइट? तो अब ये क्वेश्चन तुमसे होने वाला है, जरा टेकल करना, पॉज करके सॉल्व करना। अब मैं करता हूं इसको, जरा देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो ये एक बिलियर्ड बॉल है, बहुत मजा आया सर, एक और बॉल यहां से आ रहा है बहुत ही बढ़िया और टकराया टकाक, लेकिन इस टाइम पे इस बॉल का वेलोसिटी इधर की तरफ है भी, है ना, और ये v है, और ये जो है वो कुछ एंगल पे दे रखा है यार, इसका कुछ एंगल भी है। देखो तो हॉरिजॉन्टल से इसके सेंटर के लाइन का बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करो भाई लोग, है ना, यहाँ पे ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल से इस लाइन के बीच का एंगल है थीटा। तो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं डॉटेड लाइन से, जरा देखना, तो जरा देखना अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दूं इधर डॉटेड लाइन से टकाक, तो देखना ये क्या है, कब का डायग्राम है? बिफोर कोलिजन, राइट, या ड्यूरिंग कोलिजन बोल सकते हो, जस्ट बिफोर कोलिजन सबसे बढ़िया लाइन होता है, जस्ट बिफोर कोलिजन का ये फोटो है, मतलब बिफोर कोलिजन लिख देता हूं मैं, ठीक है, ओके सर, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये भी सी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये तो रुका हुआ है, हाँ, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आया, कितना? वी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट आया वी साइन थीटा। मान लिया कोलिजन के बाद हालात ऐसे हुए कि ये है बी और ये है ए, हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया बात है, ये है बी और ये है ए, ये जब टकराया टकाक, तो ये एकदम से इसको इस डायरेक्शन में हिट किया, और ये जो बिलियर्ड बॉल है वो कैसा है देखो जरा सा, बहुत ही मजेदार स्मूथ बिलियर्ड बॉल है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि इन दोनों बॉल के सरफेस एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं एक्ट कर रहे होंगे, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा। ये सुनना दोबारा से, ये दोनों बॉल के ऊपर टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा। तो यहां पे इस ये जब टकराया है बेटा, तो कोलिजन के बाद का हालत ऐसा होगा, ये एकदम से हिट किया होगा इधर, ओके, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गया, लेट इट बी वी बी हो गया होगा, और ये भी मान लो इधर ही चल रहा होगा, वी ए से चल रहा होगा, लेकिन ये वाला वेलोसिटी वही रहा होगा जो पहले है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, और इसको इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं मिला होगा, तो ये अभी भी v sin थीटा ही होगा। ये है तुम्हारा आफ्टर कोलिजन, और ये है जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या ये चीज तुम्हें बेटा पूरा समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। अगर ये आ गया तो आंसर आपके सामने है, जल्दी से एक इक्वेशन बनाइए, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इक्वेशन कैसा बनेगा जरा बताना, तो
मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का जो इक्वेशन बनेगा बेटा, वो तुम बताओगे मुझे कि सर जिस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नो सर। तो कॉलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को इस बात से मतलब ही नहीं होता कि कॉलिजन कैसा है। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को इस बात से मतलब होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यह अपने आप टकराया है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्स डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना है इसका, बिफोर कॉलिजन m इंटू वी कॉस थीटा, और बाद में इसका x डायरेक्शन में मोमेंटम लगा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का हमें ख्याल रखना पड़ता है बेटा। क्लियर है? ओके सर। तो यहां पे इसका जो मोमेंटम होगा बेटा, वो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ये हो चुका है, और फाइनल मोमेंटम में मैंने लिखा एम इंटू वी ए प्लस एम इंटू वी बी, और ये तुम्हें मजा दे देगा बेटा, ये एम 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 निपट चुका है। तो एक इक्वेशन बना, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इक्वेशन वन। क्या इस लाइन में कोई दिक्कत? सीख रहे हो, इनइलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन बहुत ही मजेदार, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक में से एक होता है जेई का। क्लियर है ना बेटा? यस। अब आपको क्या करना है सर? अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो ये सेपरेट इसी से तो हो रहा होगा, ये v cos थीटा से तो ये अप्रोच हो रहा है, और ये है कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन नॉर्मल तो यही है ना बेटे। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? v cos थीटा, क्योंकि ये रुका हुआ था। तो क्या लिखोगे? v cos थीटा अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? ये vb से आगे जा रहा है, ये va से, तो सेपरेट किससे हो रहा होगा? इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी से, तो vb माइनस va से, तो वी बी माइनस वी ए से। तो इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो क्या लिखा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और मैंने लिखा वी बी माइनस वी ए इज नथिंग बट ई वी कॉस थीटा इक्वेशन टू। ये रहा अपना पहला इक्वेशन, और ये रहा अपना दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को करता हूं मैं ऐड, क्या करता हूं ऐड। तो ये वी ए यहां पे, ये वी ए यहां पे निपट जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। यस सर। तो ये खुबाच खुबाच दोनों हो गया एट एट, खत्म बेटा। तो ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या आएगा बेटा जरा देखना इधर। तो ये होगा वी बी और वी बी, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल टू, ये होगा ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल टू, जल्दी देखना, ई वी कॉस थीटा, ई वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा, ये होगा ई वी कॉस थीटा प्लस v cos थीटा। बोलो बेटा मजा आया? तो ये रहा vb का वैल्यू सर, यहां से v cos थीटा हो गया है कॉमन, ये हो चुका है 1 प्लस e, और यहां से नीचे से आ गया है 2। इसका मतलब आपके सामने ये रहा आंसर सर vb का, यानी कि कोलिजन के बाद जो v वेलोसिटी का वेलोसिटी होगा b का, वो होगा v cos थीटा इंटू 1 प्लस e बाय 2। यस सर, बहुत ही मजेदार, v cos थीटा इंटू 1 प्लस e बाय 2, और इस तरीके से आपका ये रहा फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही सर। क्या मजा आया जीवन में बेटा? सीख पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हां जी सर। तो ये सब चीजों को यूज करना, इसका एप्लीकेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ही एक्स्ट्रा डेप्थ देगा। अगर तुम रियल में फील कर रहे हो चीजों को, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है न्यूमेरिकल के थ्रू, वो समझने की कोशिश कर रहे हो, और इसका फर्दर एप्लीकेशन अगर कहीं पे मिलता है तो वहां पे इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, तो ये सब तब होगा जब तुम इन्वॉल्व हो गए, गेट इमर्ज इन टू द सब्जेक्ट, और वो तुम्हें होना है। तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, और फटाफट कमेंट करके बताओ कि अभी तक का जितना क्वेश्चन है वो तुम्हें कितना चीज सिखाया, कितना मजा दिया, और कितना मजेदार तरीके से तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ये भी बताओ मुझे। राइट सर। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैंने रखा है यार, ये क्वेश्चन को लिए बिना, अरे ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही बढ़िया इरोडोव का क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट है लेकिन समय बहुत हो जाता है यार। ये क्वेश्चन जे एडवांस ने पूछा है, इस क्वेश्चन का ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन से मुझे बड़ा प्यार है यार बच्चों। ये फंक्शन को जेई ने बहुत बार पूछा,
वर्क पावर एनर्जी में पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा, और भी कहीं भी पूछ सकता है। तो ये फंक्शन को ना थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। इस फंक्शन में बहुत सारा चीज है, बहुत दोस्ती है इस फंक्शन से, हमें दोस्ती करना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं। बोल रहे हैं द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स दिस, ये एक फोर्स है बेटा, और इसके द्वारा कितना वर्क डन होगा किसी पार्टिकल के ऊपर, ऐसा इसने पूछा। बोल रहा है K is being a constant appropriate dimension. Okay, ये तो dimension निकालना हमें आता है, तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है questions को, क्योंकि JE का question है तो वो सारे aspects पे बात करता है। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या बोला है इसने आगे का line। इसने बोला when the particle is taken from the point A, 0 to the point 0, A along a circular path of radius A about the origin in xy plane. तो अब ये कहानी जो इतना बोल दिया, इसका मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। यस सर, तो इसने ऐसा कुछ बोला कि ये जो एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा है, सर बहुत बढ़िया, मैंने भी बना दिया एक्स वाई प्लेन बेटा। फिर इसने बोला कि पार्टिकल को एक रेडियस ए रेडियस के पाथ पे, जल्दी देखना, पार्टिकल को ए रेडियस के पाथ पे ये ए कोमा जीरो, देखो एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, हां जी, से ये कहां पे ले गया, वाई एक्सिस पे अलोंग द सर्कुलर पाथ, यही है क्वेश्चन, कहां पे ले गया, जीरो कॉमा बी पे, ये हुआ तुम्हारा सेंटर, तो इसको यहां से ले गया ऐसे। तो बोल रहा है कि वर्क डन इस प्रोसेस में कितना होगा, फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि वर्क में तुमने काफी चीज पढ़ लिया है, सीख भी लिया है, तो तुम्हें आना चाहिए बच्चों। ठीक है सर, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं जरा देखो, फटाफट देखो। इस क्वेश्चन में मैंने बताया तुम्हें अभी तुरंत कि सर ये रहा x और ये रहा y, ये रहा y, ये रहा x, बहुत ही मजेदार बेटा, ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा y, पार्टिकल को ये ले गया इस पाथ में, जरा सा देखना बेटे, अब जरा सा देखना बेटा, तो यहां पर पार्टिकल जब इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है ना सर, तो आप क्या करोगे, आप किसी एक जगह पे जाओगे, कोई भी एक पी पॉइंट पे गया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा है जरा उसे देखोगे अगर, तो ये फोर्स का जो फंक्शन है वो है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 आई कैप, वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 जे कैप। हां जी सर, तो फोर्स का वैल्यू है एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 और प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनटू के जरा देखना, ये फोर्स क्या एक्स वाई का फंक्शन है, यस, आई जे कैप में है, यस, यानी कि क्या ये वेरिएबल है, यस सर। तो वेरिएबल अगर है यहां पे, तो अपने को एक छोटा सा एलिमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा और देन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा फंक्शन के ऊपर, पूरा पूरा लिमिट के ऊपर, यस सर। तो अपने को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स के लिए। तो हम जानते हैं बेटा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जब आप निकालने जाता बैठते हो यहां पे dw, तो क्या लिखते हो, f डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि इसमें आपने देखा है यहां पे कि ये xy प्लेन में ही है, तो dz kp अब मैंने नहीं लिखा है। हां सर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क तो हम ऐसे ही लिखते हैं। जरा एक और बात देखना, अगर ये कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, हाँ, इसका जो रेडियस होगा क्या वो रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 होगा, हाँ, तो यहां पे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, यस। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि r क्यूब जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब जरा देखना बच्चों, यहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये r जो है क्या वो फिक्स चीज है, हाँ r तो फिक्स है सर, वो एक कॉन्स्टेंट है, यस सर। तो क्या मैं इस f को लिख सकता हूं यहां से, क्या मैं उस f को लिख सकता हूं k, और ये हो जाएगा r क्यूब और ये भी r क्यूब, हाँ, तो k by r क्यूब को मैं कॉमन ले लूं क्या बच्चों, यस, क्योंकि ये फिक्स्ड है, अब ये r जो है वो फिक्स्ड है, ये सब जगह फिक्स्ड है डिस्टेंस, यस। ऊपर में क्या बचा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बोलो हाँ है ना, और इसको डॉट किसके साथ किया बेटा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, बहुत ही बढ़िया सर, ये एक छोटा सा वर्क डन बता रहा है, हाँ जी बेटा।
अब तुम यहां पे एक छोटा सा वर्क डन को क्या लिखोगे, के बाय आर क्यूब तो हो गया कॉन्स्टेंट, आई कैप जब आई कैप के साथ डॉट होगा, ये डॉट है बेटा, ये वर्क डन है, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो आई आई के साथ जाएगा है ना, और जे जे के साथ जाएगा है ना, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, लेकिन आई डॉट जे जीरो होता है, के डॉट जे जीरो होता है, मतलब दो बीन दो 90 के बीच में एंगल 90 होता है, तो वो जीरो हो जाता है सर, तो आई आई के साथ जाएगा, तो ये तुम लिखोगे एक्स डी एक्स और ये तुम लिखोगे वाई डी वाई। ये तो बेटा बहुत ही मजेदार चीज था, कॉन्स्टेंट बाहर, तो इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इसे भी इंटीग्रेट किया, इसे भी इंटीग्रेट किया, अब ये फंक्शन इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। हाँ सही कर दिया क्या मैंने, सही कर दिया क्या, जल्दी से देखो बेटा यहां पे फटाफट देखो, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक्स डी एक्स, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन तब बनता ना जब इसने क्या कर दिया, फंक्शन को यहां पे हिला के रख दिया है भाई साहब। ये फंक्शन है वाई, ये क्या है वाई, ये फंक्शन क्या है बेटा वाई, और ये फंक्शन क्या है बेटा एक्स। मुझे इस फंक्शन के बारे में कराना था, जरा सुनना सुनना, इधर हड़बड़ मत करना, जल्दी देखना, ये है वाई और ये है एक्स बेटा। तो यहां पे जब तुमने काम किया तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स बेटा। तो ये जब y और x लिखोगे तब मजेदार बात निकल के आएगा, ये है y और ये है x, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये वाला, ये y और ये x। अच्छा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ में आ रहा है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा कितना y और ये क्या हो जाएगा बेटा x। चलो बहुत ही बढ़िया, अब ये मजेदार क्वेश्चन अब बनेगा, अब ये मजेदार क्वेश्चन अब बनेगा जब तुम लिखोगे यहां पे क्या सर क्या लिखेंगे, अभी दिखा रहा हूं बेटा एक सेकंड रुक जा। यस कोई दिक्कत नहीं है, हां जी सर, क्योंकि फंक्शन इस क्वेश्चन में वहां पे था y, तो यहां पे y है, तो y i कैप है, तो हमें क्या लिखना चाहिए बेटा यहां पे, हमें लिखना चाहिए सर y i कैप प्लस x j कैप, बोलो हां है ना। तो ये हो जाएगा y into dx, यस y dx, और ये x into dy क्योंकि जे जे के पास जाएगा x dy। तो अब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है x का और वेरिएबल यहां पे जो है वो y का है, ये है इंटीग्रेटिंग एलिमेंट y का और फंक्शन जो है वो x का है, तो हम इसे अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका होता है जो आपको आना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही मजेदार है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के बाय आर क्यूब और यहां पे इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। हां सर, और इस फंक्शन के बारे में थोड़ा दोस्ती करो और आज के बाद से जीवन भर याद रखना बेटा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो डी एक्स वाई फंक्शन को अगर तुम लिखो किसी के भी रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करो, मान लो डी टी के रेस्पेक्ट में किया तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप, यस सर, पहला फंक्शन को बाहर किया और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, बहुत बढ़िया सर, फिर दूसरे को बाहर किया प्लस पहले का डिफरेंशिएशन किया, यहां भी डीटी, यहां भी डीटी, यहां भी डीटी, डीटी 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 निपट गया। तो इसको बोलते हैं टेकिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स वाई इज नथिंग बट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है ना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको एक नए प्रोडक्ट के फंक्शन में सोचा जाता है और ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये चीज अब क्या हो चुका है सर, ये हो चुका है क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई। अच्छा, और पार्टिकल को कहां से कहां लाया, देखो जरा सा लिमिट को, लिमिट को देखो जरा सा, ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए तक। अच्छा, तो यहां पर लिखोगे क्या लिमिट बेटा, ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए तक। हाँ जी बेटा, ये है कहानी। और जब a कोमा जीरो पे था तो शुरुआत किया था तो वर्क कितना था, जीरो, और जब इसको जीरो कोमा a पे ले गया तो ये नेट वर्क डन निकल गया। क्या बात समझ में आई, यस सर। अब जरा मुझे बताना भाई dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है सर, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, d ऑफ कुछ भी लिख लो, कुछ भी d ऑफ कुछ भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ भी। अच्छा ऐसा क्या, हां जी बेटा, d ऑफ कुछ भी का इंटीग्रेशन कुछ भी, तो मतलब d के आगे जो भी है उसमें से d रिमूव कर देता है ये, और ये कैसे लगा रहा हो तुम, x y का पावर जीरो जीरो करके कर रहा हूं मैं, x का पावर n फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं, लेकिन मैं ऐसे ही बताया, dx का इंटीग्रेशन x, dt का t,
डी अल्फा का अल्फा अगर वो वेरिएबल है तो डी कुछ भी का कुछ भी, तो डी एक्स वाई का एक्स वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए। ओके सर, और ये के बाय आर क्यूब बाहर, तो के बाय आर क्यूब बाहर और यहां पे एक्स का वैल्यू रखो जीरो इंटू ए, कितना हुआ जीरो इंटू ए, बहुत मजा आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स का वैल्यू ए वाई का वैल्यू जीरो, ऐसे लिमिट रखते हैं। हाँ ये भी सीखो, पूछा गया है बहुत बार और ये खुद जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा है। तो ये जीरो माइनस जीरो हो चुका है जीरो, यस सर मजा आ चुका है इस क्वेश्चन को करके और हमें पता चल चुका है कि इसमें ये वर्क ना ये वर्क ना ये वर्क नो, आंसर क्या है यस ये वर्क टन हमने निकाल लिया है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा है कि इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा कि यहां पे हमने कैसे क्वेश्चंस को करे हैं। अब मैं तो लाया था यार ये क्वेश्चन को भी कराने का, दिल में दिल ऐसी इच्छा है मेरा कि सर ये क्वेश्चन तो करा ही दो क्योंकि ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन अब बहुत समय हो गया तो तुम लोग इंजॉय करो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा यार, कोई तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। दो क्वेश्चन और रखा हूं, ये एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब का एक सेशन जो मैं लाऊंगा इसके बाद देखता हूं बीच में कभी यार ये सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, ये क्वेश्चन एक मैं होमवर्क देना पसंद करूंगा यार मैं, और ये भी क्वेश्चन मैं एक होमवर्क देना पसंद करूंगा ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन फिर से हो गए करना, बताऊंगा मैं और मुझे बताओगे मुझे एनर्जी मिलेगा तभी मैं आऊंगा भाई। और मुझे एनर्जी कैसे मिलता है, तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे उस बात उस जुनून से कि तुम कितना सीखना चाहते हो। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो टीचर अपना जान से सिखाएगा यार बच्चों, तो मेन बात यह है कि तुम कितना सीखना चाहते हो वो डिसाइड करता है। तो आई एम हियर फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, सिंपल। बस तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है, तुम अगर चाहते हो तो मैं जरूर आऊंगा। तो बताना मुझे पूरा कमेंट करके कि कैसा लगता है ये, तुम्हें कितना डेवलप किया तुम्हारा फिजिक्स, और ये दोनों क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना। तो थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे अपन फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा लोग, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।